नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं। देखिए, अभी जैसे जैसे लड़कियां अलग अलग क्षेत्र में ग्रोथ कर रही हैं, आपको पता है, चाहे वो एयरफोर्स हो या फिर कह सकते हो मिलिट्री हो या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में जिस तरह से लड़कियों ने अपना परचम लहराया है, जाकर जो है वहाँ पर नौकरियाँ की है, एक बड़े बड़े अफसर पोस्ट पर रही हैं, चाहे वो एयर पायलट शिवानी सिंह हो। तो जैसे जैसे लड़कियां जो है ना अपनी कह सकते हो की पहचान को बढ़ा रही है, तो लड़कियों की एक और नई पहचान ज्योति जलंधर पंजाब में सामने आ रही है। और ये थोड़ा सा सर्वनाश खबर है, अभी वो श्रद्धा कांड से हम लोग उभरे नहीं थे, उसके बाद जलंधर में भी एक ऐसा कांड हुआ, इसका जस्ट अपोजिट हुआ। अपोजिट का मतलब ये हुआ कि इस बार जो है लड़के ने लड़की के साथ नहीं, चार लड़कियों ने नशे की हालत में, जी हाँ, नशे की हालत में जो है एक मजदूर का रेप कर दिया। ये बात एकदम खबर पक्की है। और मुद्दे की बात यह है कि जब ये मजदूर बेचारा रिपोर्ट लिखाने भी जाता है, तब भी पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं सुनती और ये कह के टाल देती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जबकि मैं आपको ये खबर एकदम सबूत के साथ दिखाता हूँ, तो आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, खबर है तुम्हारे 22 नवंबर 2022 की और ये जो रिपोर्ट है ये टीवी भारतवर्ष की है। जबकि ये पंजाब जलंधर की खबर है, खबर आप देखिए, पंजाब में एक किडनैप और यौन उत्पीड़न की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। मीडिया में जब ये खबर फैल रही, तो खबर कुछ ऐसी थी कि जलंधर के एक लेदर फैक्ट्री में काम करने वाले व्यक्ति ने दावा किया कि चार सवाल लड़कियों ने उससे पहले किडनैप किया, फिर शराब पिलाकर उसकी कह सकते हो लड़कियों ने कार में हाथ बांधकर, आंखों में पट्टी बांधकर रेप किया। तो ये घटना जो है, ये दावा किया जा रहा उस युवक के द्वारा कि चार लड़कियां थी जिन्होंने पहले शराब के हालत में उसको शराब पिलाई और गाड़ी में बांधकर रेप भी किया। आगे की और भी खबर है, व्यक्ति ने बताया कि वह जलंधर के कपूरथला रोड में स्थित एक लेदर फैक्ट्री में काम करता था, वह घर जा रहा था, इस दौरान सफेद कार उसके पास आके रुकी, उसमें चार लड़कियां बैठी हुई थी जिसमें से एक लड़की ने पर्ची निकालकर उसे दिखाकर उससे पता पूछा, जब वो पता बताने में कुछ पदार्थ डाल दिया जिससे वो दिखना बंद हो गया, बाद में बेहोश हो गया। लड़कियों ने उसे जबरदस्ती कार में बैठाया, लड़कियों ने उसकी आंखों में पट्टी बांध के साथ में हाथ बांधकर शराब पिलाकर रेप किया। अब ये रेप करने के बाद जब ये बात पुलिस वालों को पता चली तो उन्होंने भी इस बात को सच नहीं माना और किसी भी तरीके की कह सकते FIR लिखने से मना कर दिया। तो बात ये है ना कि हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, और विश्वास मानिए जब ऐसी खबरें हम लोग के सामने आती हैं, चाहे वो फिर पंजाब का ये कांड हो या फिर वो श्रद्धा मर्डर केस हो, तो दिल थोड़ा सा घबरा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग तरक्की के साथ साथ ना वो सारी चीज़ें जो मानवता हमारे भारत देश की धरोहर थी उसे खो रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये गलत है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि तरक्की के साथ साथ मानवता का हनन किया जा रहा है। तरक्की की स्पीड भले ही स्लो हो जाए लेकिन आपके अंदर मानवता होनी चाहिए, फिर वो चाहे लड़की वाला केस हो या फिर लड़के वाला केस हो, दोनों के केस में ऐसा होना चाहिए। फिलहाल अगर यहाँ दोषी लड़कियाँ हैं तो यहाँ पर इनको सज़ा भी मिलनी चाहिए, या फिर वो श्रद्धा कांड वाला केस हो, अगर वहाँ वो दोषी आफ्ताब है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को विराम देते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस पूरी घटना से आप लोग किस प्रकार से इत्तेफाक रखते हैं। धन्यवाद।